नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने वाला शख्स निकला कोरोना वायरस का मरीज। दुनिया भर में मचा हड़कंप। अमेरिकी कंजर्वेटिव यूनियन ने रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के हवाले से शनिवार को ट्वीट करते हुए बताया था कि वायरस सम्मेलन से पहले ही फैल चुका था। आपको बता दें कि अमेरिका में शीर्ष राजनीतिक कंजर्वेटिव्स के सम्मेलन में शरीक हुआ एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है और मीडिया रिपोर्ट की माने तो कोरोना वायरस से संक्रमित इस मरीज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हाथ भी मिलाया था। अधिकारियों ने बताया है कि कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस CPAC राजनीतिक कंजर्वेटिव्स की देश की सबसे बड़ी वार्षिक जनसभा है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। वाशिंगटन में करीब 26 से 29 फरवरी को हुए इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पेंस के अलावा कई कैबिनेट सदस्य और व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए थे। अमेरिकन कंजर्वेटिव यूनियन ने रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के हवाले से शनिवार को ट्वीट करते हुए बताया गया कि ये वायरस सम्मेलन से पहले फैला था और न्यू जर्सी के एक अस्पताल ने व्यक्ति की जांच की और पॉजिटिव नतीजे होने की घोषणा की। इस व्यक्ति को अलग रखा गया है और वह न्यू जर्सी के चिकित्सकीय देखभाल में है। बयान में कहा गया है कि इस व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से कोई संपर्क नहीं था और वह मुख्य सभागार के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुआ। यूनियन के चेयरमैन मैक्स सेल्ट ने हालांकि द वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि उन्होंने कार्यक्रम में संक्रमित व्यक्ति से बातचीत की थी और सम्मेलन के आखिरी दिन मंच पर ट्रंप से हाथ भी मिलाया था। कोरोना वायरस के व्हाइट हाउस के पास पहुंचने के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, मैं चिंतित नहीं हूं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलने के बावजूद उनके पुनः चुनाव अभियान की रैलियां जारी रहेंगी। अब देखना दिलचस्प है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।